अब नई से खबर शामिल करते हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग मुलाजमत का हिस्सा होता है। बतौर अफसर पोस्ट पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाला ही कामयाब अफसर समझा जाता है। डिप्टी कमिश्नर हरनाई हेल्थ हॉल महकमे सेहत ऑफिस में पैरामेडिक्स के जेर तमाम नए तायुनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरीद अहमद तरीन को वेलकम और साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फयाज अहमद मस्तोई के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनका किया गया। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर आरिफ खान काकड़ थे। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सईद अहमद कासी समेत डॉक्टर्स पैरामेडिक्स अहदेदारान और मुलाजमीन इत्तेहाद अहदेदारान फार्मासिस्ट और दीगर मौजूद थे। तकरीब से मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आकिफ खान काकड़ और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि डीएचओ सर ट्रांसफर हो रहा है, पोस्ट आउट हो रहे हैं और दूसरा डीएचओ पोस्ट इन हो रहा है। जिस तरह साथियों ने बताया पोस्टिंग ट्रांसफर पूरी सर्विस एक ही जिले में नहीं हो सकता है, लाजिमा ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है। मगर ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कोई अफिसर यहाँ सर्विस करके एक बहुत अच्छी यादें छोड़ के चला जाता है और कुछ ऐसे अफसरान भी होंगे कि जो अच्छी यादें छोड़ के नहीं चले जाते। फैमिली की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह और आपस में जो कोऑर्डिनेशन हमने रखा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा, जिसमें सर हमने ये था कि हमारा जो EPI था उसकी इम्प्रूवमेंट हमने 80% और उसको 80% के अबव अचीव कर लिया अपना जो टारगेट था। और पोलियो के हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हार्ड रिफ्यूजल नहीं है टिल डेट, और जितने भी LPS हुए हैं वो पास हो चुके हैं। बेस्ट विशेष के साथ जहाँ भी उसकी पोस्टिंग हुई है खुश रहे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जहाँ पैसा है। मुझे एज DHO भी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ से, डॉक्टरों से और बाकी जो हमारे क्लास 4 है सबसे मुझे चाहिए। उसके अलावा मैं डॉक्टर फयाज मस्तोई साहब से कहूँ कि जो मेहनत आपने की है, जो PHDP में आपने स्कीम डाले हैं, जो आपने SNEs बनाए, इंशाल्लाह मैं और DC साहब मिल के इसको पैथमीर तक पहुँचाएँगे ताकि वो PHDP में इस आने वाले बजट में शामिल हो जाए, हमारी RAC डेवलप हो जाए। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं सालाना हाजी सदीक अंसारी मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो चुका है। हैदरी क्रिकेट क्लब में राना हैदर सदर टेप बॉल क्रिकेट एसोसिएशन आरिफ वाला, राना जवाद हैदर और मलिक अली रजा खालिद की जानिब से इनाकात पजीर हाजी सदीक अंसारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद अंसारी ने टूर्नामेंट का फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज का ऐलान करते हुए टूर्नामेंट कमेटी के शानदार इंतजाम पर इनके एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर का भी ऐलान किया। मौजूद में उन्होंने हाजी मोहम्मद अंसारी की खिदमत को सराहा और जीतने वाली टीम के लिए इनामात का ऐलान कर दिया। रेनाला खुर्द के नवाही इलाके लारा सब टाउन में 11 KVA की तारें टूटने की वजह से मकई की फसल में आग लग गई। रेस्क्यू की बरवक्त रिस्पांस करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेनाला खुर्द एनी शाहिदीन के मुताबिक आग फसलों से गुजरने वाली 11 KW की तारें और खंभा गिरने की वजह से लगे। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस और फायर व्हीकल फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स पानी की मदद से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया।